करूं मैं? क्या करूं मैं? शांत हो जाइए महाराज। कैसे शांत हो जाऊं बानासुर? दो बालकों ने मेरे सारे राक्षसों को पराजित कर दिया है और आज तो मुझे चेतावनी भी दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक वीर योद्धा है महाराज, उसका नाम काली है। मैंने सुना है कि वो विष्णु का शत्रु है। वो हमारी मदद अवश्य करेगा। आज तो हमने उन राक्षसों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन कंस मामा रुकने वाले नहीं हैं। बलदाऊ, आप चिंता बहुत करते हैं। जब वो भेजेंगे तब देख लेंगे। अब आप सो जाइए। हे महान काली, कंस का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ मित्र कंस, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा एक ही मकसद है, विष्णु का विनाश। बहुत अच्छे, मैं भी यही चाहता हूँ। बस एक ही दुविधा है। दुविधा? जब तक कलयुग नहीं आता, मेरी शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर असर नहीं करेंगी। हाँ, अगर पृथ्वी लोक पर राहु काल पैदा हो तो ही मैं कृष्णा को कुचल सकता हूँ। और इस राहु काल को पैदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बृहस्पति और शुक्र को साथ लाना होगा, लेकिन ये कोई आसान कार्य नहीं है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। आप बस कृष्ण का वध करने की तैयारी कीजिए। राहु काल की तैयारी हो गई है। मैं दोनों को बहलाकर मथुरा ले आया हूँ और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं हैं। बहुत अच्छे मेरे मित्र। अब कृष्णा को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वृंदावन में तो सब ठीक है ना? धीरे धीरे तो सब कुछ पहले जैसा हो ही जाएगा। कृष्णा, तेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नादान बालक, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। बातें तो तुम कर रहे हो, हम तो यहाँ युद्ध करने आए हैं। काना, ये क्या हो रहा है? बलदाऊ, रुक जाइए। यदि इसके शरीर से कुछ भी अलग हुआ तो और राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। किंतु शस्त्र रहित इनका वध करेंगे कैसे? अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। नारायण नारायण, मुझे पता है आप दोनों की दुविधा क्या है। प्रभु, ये कलयुग का राक्षस है। मुनिवर, हमें ये बताएं कि इसे हराया कैसे जा सकता है। उदास ना हो प्रभु, कलि का भले ही वध नहीं हो सकता, किंतु उसे कमजोर अवश्य किया जा सकता है। मुनिवर, कृपा करके हमें बताइए कि ये कैसे होगा। प्रभु, कलि की शक्तियाँ राहु काल से जुड़ी हैं। उसकी समाप्ति पर उसकी शक्तियाँ भी चली जाएंगी, और वो तब होगा जब सूर्य की किरणें फिर से वृंदावन पर पड़ेंगी। मेरी शक्तियाँ।
घबराओ नहीं। तुम कौन हो? हम यहाँ वन के वृक्षों में रहने वाले वनजीव हैं। आज 200 वर्षों में पहली बार किसी मनुष्य ने हमें देखा है। क्या तुम किसी संकट में हो? इस जल स्थल में एक राक्षस है और उसने हमारा जीवन ओस चुरा लिया है। आप चिंता ना करें, हम आपका जीवन उस राक्षस के खजाने से वापस ले आएंगे। सावधान रहना। मेरा खजाना चुराने आए हो? हमें तुम्हारा खजाना नहीं, केवल वन जीवों का जीवन चाहिए। एक बार जो मोती मेरे कोष में आ गया, उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। हम वो मोती लेकर रहेंगे। बस आक्रमण। आपने आज हमारे लिए जो किया है उसके बदले में? नहीं, आपकी सहायता करना हमारा धर्म था। जरा देख तो उधर, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ। गायों को, गायियां तो मिल ही जाएंगी, पर मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है। मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं। चलो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? दुश्मन कमजोर तो है ही, साथ में नादान भी है। आक्रमण करो।
सैनिकों जैसा कायर नहीं हूँ और मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तुम दोनों के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। संभालो। उठो गुरु नरेश। हाँ? आपने मुझे पराजित करके भी छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य आपको पराजित या अपमानित करना नहीं है, बल्कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक राजा का अपनी प्रजा की ओर जो कर्तव्य होता है, राजपाट बढ़ाने की लालसा में आप उसे बिल्कुल भुला बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य वापस जाएं और राज्य की सीमा बढ़ाने की जगह राज्य की खुशहाली बढ़ाने की ओर ध्यान दें। आपने सूर्य के उजाले की तरह मेरे घमंड के अंधकार को दूर कर दिया और मुझे सही मार्ग दिखाया। प्रभु, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अच्छा, ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी आई कृष्ण की रक्षक, तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई, जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? उधो, कान्हा को हराना है तो बलदाव से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाऊ, बलदाऊ, सुनिए। अरे, मूरख हैं ये दोनों तो, और नहीं तो क्या? बलदाऊ कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे, वो तो हमारे हाथ ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगाओ और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। अरे कमला, मनिया, अमला, सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ, यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि टोलियां बना ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा? सभी फूलों में सबसे सुंदर है कमल का फूल। क्या तुमने पारिजात फूल के बारे में सुना है? देखा तो नहीं, परंतु शायद सबसे कोमल फूल वही होगा। ये कौन सा फूल है? ना कभी देखा ना सुना। कहते हैं पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिन्हें सूर्य देव की चाह हो गई। राजकुमारी
राजकुमारी का प्रेम भाव इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु पश्चात उन्होंने पारिजात वृक्ष का रूप ले लिया, जिसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं। सूर्योदय होने पर जैसे ही सूर्य देव की किरणें धरती पर पड़ती हैं, राजकुमारी के आंसुओं समान पारिजात फूल गिरने लगते हैं। मटके में दूध है या पानी, पता लगाना कौन सा मुश्किल है। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो, तो मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा। नहीं। फिर तुम ही बताओ कैसे तुम्हें मनाऊं? पहले मुझे एक पारिजात फूल ला कर दो। कृपया दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कहिए श्री कृष्ण बलराम, पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, आप शायद हमें बता पाए। अवश्य, आप मेरे साथ आइए। इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं, और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे। गई। बस यहाँ लहराने के लिए सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है। आसमानी नीला रंग हमारी नौका पर क्या खूब लहराएगा। मुझे तो लाल रंग ही सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लग रहा है नौका बहुत तेज जा रही है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा के पास बैठूंगी तो मुझे कम डर लगेगा। अरे नौका तो पानी के बहाव में वही ही जा रही है। कृष्णा बलदाऊ, कोई उपाय करो।
कुछ क्षण नौका यहाँ रोकते हैं। मैं वहाँ ऊपर से वो फूल लाना चाहता हूँ। ये कोई चट्टान नहीं, तुम सब एक भयानक मगरमच्छ की पीठ पर खड़े हो। बचाओ! बचाओ! इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कान्हा, वृंदावन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी, ये तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक माखन खा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। कान्हा, जल्दी करो, नहीं तो बुआ आ जाएंगी। यहाँ हो तुम सब, कभी नहीं सुधरोगे। ठहर जाओ, अभी दिखाती हूँ। भागो! ठहर, रुको। अरे भागते कहाँ हो, रुको। अब कहाँ जाएगा, हाँ? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ, दोबारा अवश्य आऊंगा। अरे मेरे लिए रुको तो सही। जल्दी कृष्णा! क्षमा करें। जाने कहाँ छुपा बैठा है कान्हा, यहाँ वहाँ सब और देख लिया। मैं क्या मदद करूँ, शर्त तुम्हारी और कान्हा की है कि तुम उसे ढूंढ कर दिखाओगे। हमें ढूंढते तो बहुत देर हो गई, क्या पता वो वापस गांव ही लौट गया हो। तो वो यही कहीं है, अपनी बांसुरी बजाकर हमें चिढ़ा रहा है। सुनो कमला, विमला, अमला, हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर कान्हा को ढूंढते हैं, तो फिर वो हम में से किसी को तो जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलो चलो। ढूंढ लिया। तुम्हें कान्हा मिला? नहीं। तो वहां
कहाँ है कान्हा? तुम गोपियाँ शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे, हम तो अपने कान्हा को खोज रहे हैं। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। मेरा नाम शंखासुर है। कृष्ण को छोड़ो, तुम सब मेरे साथ आओ। नहीं, तुम हमारा रास्ता छोड़ दो और हमें कृष्णा को खोजने दो। क्यों? कृष्ण के पास क्या है? मेरे पास अपार धन है और मेरे शीश पर ये अनमोल शंख भी है। हाँ, पर तुम्हारे शंख की आवाज कान्हा की बांसुरी की आवाज की तरह मधुर नहीं है। नादान गोपियों, तुमने शंखासुर को अपमानित किया है। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। कान्हा, हमें इस शंखासुर से बचाओ। यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। उनको तो छोड़ दूंगा, पर तुम दोनों को नहीं। तुमने शंखासुर को ललकारा है। अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है, है ना? अब तुम इस शंख के बिना जियोगे। यदि तुम मान और प्रसिद्धि चाहते हो तो उन्हें अपने कर्मों से प्राप्त करने की कोशिश करो। आपने मेरा घमंड तोड़कर मुझे उचित अनुचित का आभास कराया है। मैं आपका आभारी हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।